आ चुके हैं आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, जिसे श्राइन भी कहते हैं। और जो है हम बना रहे थे कल जो है बाजार रज़ा पे व्लॉग, और जो नहीं बन सका क्योंकि बाज़ार बंद थी। तो आज हमने बोला कि रोज़ा दिखाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आ चुके हैं मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे, और हम आपको दिखाते हैं कि मैप में कि कितना बड़ा रोज़ा है। इसमें जो है चार एंट्रेंस है, वो नीचे अंडरग्राउंड रोड जा रहे हैं चारों तरफ से, और एंट्रेंस आपको इसमें दिख रही होंगी कि काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस हैं और काफ़ी बड़ा रोज़ा है। आपको दिख ही रहा होगा इस मैप में। और अभी हम जो खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है टोटल 9 सैन है, और अभी हम खड़े हुए हैं पैगंबर आज़म सहन के अंदर। टोटल जो है 9 सैन है, अभी हम चलते हैं पैगंबर आज़म सहन के अंदर, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा है। यहाँ पे आप मीनार देख रहे होंगे, खूबसूरती चेक कर रहे होंगे, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद भी है, और मीनार इतने हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। सैन भी हालांकि इतने हैं, 9 सैन हम आपको घुमा नहीं सकते, जितने हम घूम सकते हैं हम आपको दिखाएंगे। और ये सामने जो है पानी है पीने का, जिसे हम सबील भी कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे दूसरे शहर में और आपको दिखाते हैं कितना प्यारा बना हुआ। कल भी बारिश हुई थी यहाँ पे, तो रात में हम आगे और व्लॉग नहीं बना पाए, इसलिए हमने बोला सुबह आज, क्योंकि आज जो है हमारी टिकट हो चुकी है वापसी की, तो इसलिए ये व्लॉग ज़रूरी था बनाना मशहद में। कि मशहद में आए और रोज़े का व्लॉग ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए ये व्लॉग बहुत ज़रूरी था। तो हमने बोला सुबह सबसे पहला काम यही करना है कि हमें जाके रोज़े पे व्लॉग बनाना है रोज़े का। तो हम आपके लिए आ चुके थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो खादिम काम करते हैं, एक खादिम ने हमें बताया कि यहाँ पे 9 सैन है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कितने सैन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सैन है, हम खुद भी नहीं घूमे इतने सैन। और जो है उन खादिम ने बहुत अच्छे से हमसे बात की, फ्रेंडली थे बहुत, उन्होंने बताया हमें, और फारसी आती नहीं है फिर भी जो जो हम समझ पाए हम आपको बता रहे हैं। और जो है यहाँ पे मैंने सुना है कि 28,000 जो है खादिम काम करते हैं टोटल, ये सुना है मैंने, कंफर्म नहीं है। और अभी हम चलते हैं दूसरे शहर में। अभी यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, मतलब नॉर्मल है कि आप इतनी सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ये दूसरे शहर की तरफ। ये जो है मस्जिद बनी हुई है, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी प्यारी मस्जिद बनी। तो मैं सोच रहा हूँ हमें भी थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि अभी इतना टेम्परेचर कम नहीं है कि हम पानी ना पिए। ये आया, आजा भाई बाहर, दो ग्लास आ गए हैं, मैं एक निकाल के रख देते हैं, अच्छी बात है। तो जी ये हमने रख दिया है वापस, और ये पानी आ गया भाई। तो जी जैसा कि आपने देखा हमने भी पानी पी लिया है, तो अभी हम चलते हैं दूसरे शहर की तरफ, इस तरफ से चलते हैं। माशाल्लाह ये जो है मस्जिद है, डिज़ाइन आप यहाँ के आर्किटेक्चर हम चेक नहीं करवा सकते, ये देखें माशाल्लाह। अभी हम चलते हैं मेरे ख्याल से दूसरी तरफ जो है, काम वजू भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखें वजू कर रहे हैं, यही साइड में पानी पीने का भी खूबसूरती देखें सर माशाल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरत है कि हम बयान करने सीखते, क्योंकि इतना बड़ा माशाल्लाह श्राइन है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का। और ये वही शाही कारपेट यहाँ पे है जो हर जगह बिखरे हैं, ये देखें ये भी खादिम है।
और माशाल्लाह से एक प्यारा सा बच्चा आगे चलते हैं हमारे। ये देखें हम वहाँ थे उस तरफ जहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट के पोल बने वगैरह बने हुए हैं। अंदर यहाँ से नहीं, हम यहीं से चलते ताकि बाहर बाहर से हम जितना हो सकता है हम आपको दिखाएं कि इस व्लॉग का मकसद ये है कि हम आपको रोज़ा दिखाएं, पूरा श्राइन दिखाएं जितना हो सकता है हमसे, और उसके बारे में बताएं जितना हमें पता था हम बता चुके हैं। और यहाँ पे एक और मैप बना हुआ है जो मेरे ख्याल से यहाँ का होगा अंदर का, वो भी था ये भी है कि डियर इसमें दिख ही रहा होगा। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है, मतलब और यहाँ पे जो है शीशे की तरह बने हुए, ये देखें। ओहो, नमाज का टाइम होने वाला है और ये ऊपर एक और मीनार, ये देखें नमाज का टाइम होने वाला है। खादिम बोले नमाज के लिए आप बैठना शुरू करें। तो जी हम भी नमाज पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ इसे फाइनल कर दें हम। ये देखें माशाल्लाह हम ये आ चुके हैं दूसरे शहर में। हम चलते हैं एक और शहर में इससे पहले कि नमाज शुरू हो जाए और हम लेट हो जाएं, अभी अजान हुई नहीं। जी हम आ चुके हैं अब तीसरे शहर में और इस शहर का नाम है शहर गदीर। ये जो है शहर गदीर है, आपको हम ये भी दिखाते हैं। एक और शहर इसके बराबर में है तो जाहिर सी बात है वो इसके बराबर में, तो वो भी लाजमी सी बात है हम आपको दिखाएंगे। चेक करें सारे सहन जो हैं बड़े बड़े सामने, ये एक और एंट्रेंस है। जी हम चलते हैं दूसरे सहन के अंदर। ये माशाल्लाह सहन काफी बड़े हैं और बहुत सारे हैं तो हम सारे घूम नहीं सकते, कहीं ऐसा ना हो हम खुद गुम हो जाए। फिर पहुंच तो जाएंगे जितना हो सकता है, फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो इनके ऑफिस बने, ये देखिए हर गेट माशाल्लाह मतलब तकरीबन पूरा सेम बना है कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम कौन से गेट पे हैं, पर ये अलग अलग गेट है। तो आप ये ना समझिएगा कि हमें एक ही गेट दिखा रहे हैं आपको कब से, कि ये जो है सारे अलग अलग गेट है, सब अलग अलग है, मुख्तलिफ जो है गेट है। हमने अभी जो है आपको ये वाला मेरे ख्याल से गेट दिखाया था अंदर, दूर से आपको दिख ही रहा होगा ये चीज़ जगह देख के। देख रहे हैं माशाल्लाह कितना प्यारा है, चेक करें आप डिज़ाइन चेक करें। हर एंट्रेंस की तरफ जो है एक मैप रखा गया है ताकि जिनको मालूम ना हो तो देख के पहुंच सके। ये जी आ गया दूसरा शहर और यहाँ पे आप देख रहे हैं मीनार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीनार काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है तो हम उससे अंदाज़ा गिन नहीं सकते हम कि कितने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है आप खुद समझ सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आगे जो है अंडरग्राउंड जो है सीढ़ियाँ जा रही हैं पार्टी के लिए, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले आप ये देखें, ये देखें कितना माशाल्लाह से, मतलब क्या बोले। ये देखें जी ये जो है नीचे पार्किंग की तरफ मेरे ख्याल से जाती हैं, कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें खुद पता नहीं है तो हम बोल रहे हैं शायद पार्किंग की तरफ, कंफर्म नहीं बोल रहे। ये भी जो है खादिम घूम रहे हैं यहाँ पे। और ये एक और गेट आ गया, इससे हम अंदर चलते हैं। ओ 11:30 बज चुके हैं यहाँ पे और तिलावत शुरू हो चुकी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया तिलावत शुरू हो चुकी है तो कुछ देर बाद अजान होगी, तब तक हम बनाते हैं इसे, उसके बाद हम जो है इसे यहीं रोकेंगे अजान के टाइम। लोग पहन गए, ये खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। यहाँ पे बिहार हर गेट की तरफ जो है खादिम रुके हैं
मुझे क्या। ये देखो माशाल्लाह से यहाँ से आगे जो है एयरपोर्ट से है ना, तो हम वहाँ चलते हैं क्योंकि जितने हमें ट्रेन हो सकते हैं वो हम आपको देखेंगे। नमाज का टाइम होने वाला है, काफ़ी वाइज बढ़ता जा रहा है। वैसे भी यहाँ पे बहुत रश था, गूगल गूगल पे सर्च करने पे आया है कि 28 लाख जो है यहाँ पे आवाम करके आवाम आ सकती है। 7 लाख पता नहीं, 28 लाख मेरे मुझे दोस्त ने बताया, पर यहाँ पर जितने बड़े शहर हैं तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आवाम आ सकती है। माशाल्लाह ये देखें, इस गेट से चले हैं, इस गेट से चलते हैं। माशाल्लाह सब गेट एक जैसे बने हुए हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें। और ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं, आपको लग रहा होगा कि वही तरफ है पर ये दूसरी तरफ से मैं बाहर आया हूँ। हम इस तरफ सामने वाली तरफ से आए हैं और इस तरफ आगे पहुँचे हैं। और यहाँ तो जी है सामने ये दूसरी एंट्रेंस है। अभी मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए, जो अंदर से थोड़ा बहुत हो सकता है खूबसूरती आपको वो भी दिखाई जाए। तो अभी हम इनसे शॉपर ले लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने देखा हम इनसे शॉपर ले चुके हैं, तो अब हम जाएंगे रोजे के अंदर दाखिल होंगे, उसके लिए हम वहाँ चल के इसको अंदर चल के कंटिन्यू करते हैं। ये जो है एक और शहर है मेरे, आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो ये भी दिखाई देते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, हमें जाना है हमारे दोस्त के पास, जो कि मेरा दोस्त है मुंतज़िर। वो अपने व्लॉग बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम जहाँ से हम इंटर हुए थे तो हम वहीं आके मिलेंगे सारे। तो अभी हम चलते हैं उसके पास। अब हमें जाना कहाँ से है मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि हम आए कहाँ से थे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये देखें पूरा का पूरा सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इतना। ये देखें अभी हम चलते हैं मुंतज़िर के पास। अजान शुरू हो चुकी है तो अजान सुने आप भी और हम भी अजान सुनते हैं, उसके बाद हम नमाज पढ़ के जो है उसके बाद जो जितनी हो सकेगी हम उसमें शॉर्ट्स लेके जो हम व्लॉग में ऐड करेंगे। ठीक है,
आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि माशाल्लाह रोज़ा बहुत खूबसूरत बना हुआ है इमाम का। तो जी, हमने आपको रोज़ा अंदर से विज़िट कराया, जितना हम दिखा सकते थे हमने आपको उसकी खूबसूरती दिखाई। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।